हमीरपुर जिला के चोरी खून गांव की दो बहनों ने योग में वर्ल्ड बुक ऑफ योगा रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। एक और जहां निधि डोगरा ने 3 बार वर्ल्ड बुक ऑफ योगा रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, वहीं निधि डोगरा की छोटी बहन दिशा डोगरा ने भी योगा में वर्ल्ड बुक ऑफ योगा रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। दिशा डोगरा ने 13 सितंबर 2020 को अखिल भारतीय योग महासंघ ABYM की ओर से आयोजित ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रतियोगिता में भाग लिया और इसमें दिशा डोगरा ने 50 मिनट तक पूर्ण शलभ आसन का प्रदर्शन किया, जिससे ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 10 वर्षीय दिशा डोगरा की इस उपलब्धि पर माता पिता ने खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि सोमवार को जैसे ही अखिल भारतीय योगा महासंघ के द्वारा बताया गया कि दिशा डोगरा का 50 मिनट के पूर्ण शलभ आसन का रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ योगा रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, तब से पूरे परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। दिशा डोगरा ने बताया कि ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से वर्ल्ड बुक ऑफ योग रिकॉर्ड हासिल किया है। दिशा डोगरा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने 50 मिनट तक पूर्ण शलभ आसन का प्रदर्शन किया है। इस दौरान दिशा डोगरा ने अखिल भारतीय योग महासंघ का धन्यवाद किया है। इसके साथ ही दिशा डोगरा ने अपने कोच शशि कुमार का भी आभार जताया है। मैंने कड़ी मेहनत करके 50 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ABYM बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का भी मैं धन्यवाद करूंगी। श्री राकेश भारद्वाज जी का भी मैं धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें ऑनलाइन यह ABYM बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हमने नाम किया अपना, और उनका धन्यवाद करेंगे हम कि उन्होंने ऑनलाइन घर पे ही हमारा करवाया। मैंने 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम का अभ्यास करके मेरा यह 50 मिनट्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। मैं अपने कोच को धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे यह कड़ी मेहनत करवाई और मैं इस मुकाम तक पहुंची। पिता संजय ने बताया कि योगा टाइम फेसबुक पर गत 13 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय योगा प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसमें बेटी दिशा डोगरा ने भाग लिया था। उन्होंने बताया कि दिशा डोगरा ने 50 मिनट तक पूर्ण शलभ आसन का प्रदर्शन किया और वर्ल्ड बुक ऑफ योगा में रिकॉर्ड बनाकर देश का नाम रोशन किया है। ये प्रतियोगिता का नाम ABYM योगा वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड की प्रतियोगिता थी, जिसमें जो है इसने 50 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। दिशा डोगरा ने पूर्ण शलभ आसन में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि इन्होंने बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे और हमारा नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, जिला का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया, गांव वालों का नाम रोशन किया। दिशा डोगरा की माता किरण डोगरा ने बताया कि दिशा डोगरा ने 50 मिनट तक पूर्ण शलभ आसन का प्रदर्शन कर वर्ल्ड बुक ऑफ योग रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, जिससे वे बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि बेटी ने इस उपलब्धि को पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। हमें बहुत खुशी है कि बेटी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक में अपना नाम जो है वो दर्ज करवाया और 50 मिनट का जो था वो रिकॉर्ड बनाया। सर, ये 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को जो है वो प्रतिदिन अभ्यास करती है, पर जैसे ही ये अखिल भारतीय महासंघ योग जो था वो इसके बारे में हमें पता चला कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सभी प्रतिभागियों को चैलेंज कर रहे हैं, तब इस बेटी ने जो था वो और भी ज़्यादा अभ्यास किया और धीरे धीरे अपनी टाइमिंग बढ़ाना शुरू की पूर्ण शलभ आसन में, और अंत में जो था वो 50 मिनट का जो था वो पूरा टाइम जो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दादा करमचंद ने अपनी पोती की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दिशा डोगरा ने प्रदेश पर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि योग सभी बीमारियों को दूर भगाता है और योग सभी को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर बच्चा योग शिक्षा हासिल करे और इसी तरह उपलब्धियां हासिल करता रहे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसका दादा, और इससे बड़ी जो पोती है निधि डोगरा रबर डॉल के नाम से जो हिमाचल प्रदेश में और देश में और वर्ल्ड में जानी जाती है,
वो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है, वो भी मेरी पोती है। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि बच्चे जो हैं वो इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। आगे मैं चाहूँगा देश के निवासियों को और अपने प्रदेश के निवासियों को, बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, कि इस वक्त जब एक दूसरे देश की प्रतिस्पर्धा चली हुई है, कंपटीशन चला हुआ है हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, तो जो जो बच्चे की हॉबी है, चॉइस है, उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अब ये बच्चियाँ जैसे योग का स्टेप इन्होंने लिया है, तो इनकी कड़ी मशक्क़त के बाद ये मुकाम जो है वो हासिल हुआ। योग इतना आसान नहीं है, कठिन और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और इसके लिए कंटिन्यू अभ्यास करना पड़ता है डेली, सुबह शाम दोनों टाइम। इसके साथ ये जो बच्चे हैं हमारे, जिनकी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात चली हुई है, ये अपनी पढ़ाई में भी पीछे नहीं, पढ़ाई भी पूरी तरह से कंप्लीट करती हैं, होमवर्क करती हैं, लर्न करती हैं, टेस्ट चले हुए हैं वो टेस्ट देती हैं। बाकी समय में थोड़ा गृह कार्य में भी ये हाथ बटाती है। बाकी विशेष जो स्टेप लिया है योग का, उसमें भी ये कड़ी मेहनत करती हैं और कड़ी मेहनत करके ये इस मुकाम तक पहुंची हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरे देश के नागरिक इन बच्चों से शिक्षा लें और शिक्षा के साथ साथ इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। जैसे आजकल ये कोरोना की बीमारी चली हुई है और भी कई किस्म की बीमारियां हैं, उन सबके समाधान के लिए योग जो है वो एक अत्यंत और आवश्यक प्रक्रिया आज के टाइम में बन गई है। क्योंकि हर दवाई, हर बीमारी का इलाज जो है वो दवाई नहीं है, इसका जो इलाज है वो योग के द्वारा भी हो सकता है। हमारे प्रयास से भी बहुत सी बीमारियां जो है वो दूर हो सकती हैं। तो मैं मीडिया वालों का बहुत आभारी हूँ जो इस संदेश को हर घर तक पहुँचा रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं और समाज को जागृत कर रहे हैं और देश प्रदेश की गतिविधियों को जो है वो उजागर करके लोगों को एक अच्छे मकाम की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।